प्रिय भैयाओं, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पोएम सेकेंड द साम ऑफ लाइफ के दो स्टेंजास को पढ़ा था। आज हम स्टेंजा 3 और 4 को पढ़ेंगे। देखते हैं पोएम सेकेंड द साम ऑफ लाइफ, जीवन का मंत्र। द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज H.W. लॉन्गफेलो। इस कविता में कवि ने दो महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। एक, कर्म की महत्ता। पहली और प्रमुख बात यह है कि कवि ने कर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला है। दूसरा, कवि हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें जीवन जीने की कला सिखाया है। देखते हैं। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, कवि कहते हैं, in the world's संसार रूपी, इस संसार के broad माने विस्तृत field of life, field of battle, in the world's broad field of battle, कवि कहते हैं कि संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बाइवोक ऑफ लाइफ, बाइवोक माने होता अस्थाई पड़ाव, जीवन नश्वर है, एक निश्चित समय के लिए व्यक्ति इस संसार में अवतरित होता है, अपने जीवन को जीता है और पुनः उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन अस्थाई है, यह अस्थाई नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। तो कभी कहते हैं इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कभी कहते हैं कि संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, अगर इस संसार को हम युद्ध क्षेत्र माने तो संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बाइवोक ऑफ लाइफ, और जीवन का ये जो अस्थाई पड़ाव है उसमें, बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटिल, बी नॉट लाइक डम माने होता है मूक, गूंगा, कुछ ना बोलने वाला, ड्राइविंग, ड्राइव माने होता हांकना, अर्थात नियंत्रण में रहने वाला, कैटिल माने मवेशियों के समान, बी नॉट लाइक डम ड्राइवर कैटिल। कभी कहते हैं कि संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में और जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में पशुओं के समान मूक और नियंत्रण में रहने वाले मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, यदि जीवन संघर्ष है, स्ट्राइक यदि यह जीवन संघर्ष है तो बी ए हीरो, नायक बनो, अगुआ बनो, मार्गदर्शक बनो इन द स्ट्राइक, इस संघर्ष के, तो इस संघर्ष के नायक बनो, अगुआ बनो, मार्गदर्शक बनो, आगे बढ़ो। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not dumb diamond cattle, be a hero in the strife. कभी कहते हैं कि संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में और जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में पशुओं के समान मूक अर्थात कुछ न बोलने वाले और नियंत्रण में रहने वाले मत बनो, बल्कि इस संघर्ष के, जीवन के इस संघर्ष के नायक बनो, उसके मार्गदर्शक बनो, अगुआ बनो। Let us then be up and doing. Then, तो फिर let us चलो, be up, उठो, and doing, और कर्म में लग जाओ। Let us then be up and doing, तो फिर उठो और चलो कर्म में लग जाओ। With a heart for any fate, heart माने होता है मनोदशा, मनोभावना, भावना। With a heart for any fate, fate means भाग्य, परिणाम, भविष्य। With a heart for any fate, के चाहे परिणाम कुछ भी हो, इस बात की चिंता किए बिना कर्म में लग जाओ। Let us then be up and doing with a heart for any fate. कभी कहते हैं फिर
अपने भाग्य, अपने भविष्य और अपने परिणाम की चिंता किए बिना उठो और कर्म में लग जाओ। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल मीन सदैव अचीव मीन उपलब्धियों को प्राप्त करो। स्टिल अचीविंग, सदैव उपलब्धियों को प्राप्त करो, नई नई ख्यातियों को प्राप्त करो। स्टिल परसुइंग और पुनः कर्म में लग जाओ। स्टिल परसुइंग और फिर से उससे भी बड़ी उपलब्धियों और ख्यातियों को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। लर्न टू लेबर, कर्म करना सीखो। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना सीखो, अर्थात धैर्य रखना सीखो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हर्ट फॉर एनी वेट। कभी कहते हैं तो फिर परिणाम की चिंता किए बिना उठो और कर्म में लग जाओ। Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. सदैव उपलब्धियों को प्राप्त करो और नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कर्म करना सीखो और प्रतीक्षा करना सीखो, अर्थात धैर्य रखना सीखो। देखिए, इन द वर्ड्स ब्रॉट टू द बैटल इन द बायलॉग ऑफ लाइफ, कभी कहते हैं संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में और जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम ड्राइवर बैटिंग बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, पशुओं के समान मुंह और नियंत्रण में रहने वाले मत बनो, बल्कि जीवन के इस संघर्ष में नायक बनो, अगुआ बनो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हर्ट फॉर एनी फेट, तो फिर उठो और बिना परिणाम की चिंता किए बिना, चाहे परिणाम कुछ भी हो उसकी चिंता किए बिना उठो और कर्म में लग जाओ। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, सदैव उपलब्धियों को प्राप्त करो, नित नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहो, कर्मरत रहो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, सदैव कर्म करना सीखो और धैर्य रखना सीखो। I hope you understand this topic. Thank you.